अब बात अंबाला की, जहां बराड़ा में कई कॉलोनियों में पिछले एक हफ्ते से पानी की सप्लाई न मिलने के चलते कॉलोनी वासियों ने सरकार और विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और कहा कि अगर जल समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जोरदार मटका तोड़ प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल एक हफ्ते से पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी, इसलिए कॉलोनी वासियों ने पैसे इकट्ठे करके पानी का टैंकर मंगवाकर गुजारा करना पड़ा। वहीं इसकी शिकायत जेई एसडीएम से लेकर उच्च अधिकारियों तक की गई, लेकिन इस समस्या की और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हाँ जी, एक हफ्ता हो गया पानी नहीं आ रहा बिल्कुल, इतने ऐसी पानी तो दुखी हो रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, बच्चे परेशान ने नहाने धोने तो कितने जाइए, असि बहुत परेशान हो पानी, साड़ी कोई नहीं किसी ने नहीं सुनी, असि बहुत जोर मार लिया टूटिया वाले कोल जे 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 कोल सब कोल जा ले पक्की नहीं किसी ने सुनी। यहाँ पर कोई पानी का समाधान नहीं हो रहा है और हम एक हफ्ते से टैंकर लेकर मोल पी रहे हैं, हम कभी किसी के पास कभी किसी के पास जा रहे हैं, लेकिन हम औरतें हैं कहाँ भटके पानी के लिए, कोई हमारी समस्या पूरी करेगा या नहीं। पंडित सिंह पूरे से पानी की समस्या बहुत हो रही है, तो इधर हमारे पानी नहीं आ रहा, तो किसी ने सुनाई नहीं करी पानी की, तो जल्दी से समाधान करो पानी का, पानी की बहुत समस्या आ रही, पानी एक हफ्ते से नहीं आ रहा, तो आपने शिकायत नहीं की, कोई सुनाई नहीं कर रहा। और यहाँ पर हम कितने दिनों से पानी की कमी की वजह से परेशान हैं, यहाँ पर कितने दिन से पानी नहीं आ रहा, एक हफ्ता हो गया कि पानी की कमी हम सहन कर रहे हैं, हमें दूर दूर से पानी लाकर भरना पड़ता है और अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, 3-4 किलोमीटर दूर से हम पानी ला रहे हैं। तो आपने किसी को शिकायत की है? की है, जरूर की है, एसडीएम और जीओ के पास हम कितनी बार गए हैं पर उन्होंने हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनी। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, पानी की किल्लत बहुत हो रही है, लेडीज कभी इधर कभी उधर बाल्टी उठाई मिल रही है फिर भी पानी नहीं मिल रहा है, जेई के पास गए हैं, कईयों के पास गए हैं, किसी ने कोई समाधान नहीं किया है।